सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन सब ध्यान लगा लेना, ये कलमल हरड़ रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, सुख धाम राम की लीला है। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज श्री रामचरितमानस का पवित्र आख्यान लक्ष्मण शक्ति जो कि लंका कांड का आख्यान है, मैं यह प्रोग्राम राठौर कैसेट के सौजन्य से आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। भक्तों, दशकंदा पुत्र मेघनाथ और शेषावतारी लखन जब रणभूमि में आमने सामने आकर एक दूसरे को ललकारने लगे और दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी, तो हुआ क्या? गरजा घननाद लक्ष्मण पर, बल के बकरे क्यों आए हो? है पता नहीं मेरे बल का क्यों प्राण गमाने आए हो? है पता नहीं मेरे बल का क्यों प्राण गमाने आए हो? खबरदार दादान बच्चे,
लक्ष्मण, तुम नहीं जानते कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो। अगर मेरे सामने तुम आओगे तो मेरे ही हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम तो बच्चे न जाने, अभी हम इंद्रजीत कहलाते हैं। लंका के बंदी खाने में बंद है। इतनी बात सुनकर लखन लाल बोले, मेघनाथ सुनो, यह युद्ध भूमि है, कर्म भूमि। ध्यान इस बात का रहे कि तुम इस समय युद्ध भूमि खड़े हो। यह युद्ध भूमि है, कर्म भूमि। वृथा क्यों गाल बजाते हो? लड़ने लक्ष्मण आया है, किसको उपदेश सुनाते हो? युद्ध स्थल में आकर गाल बजाना तो कारों का काम है। मैं लड़ने को खड़ा हूँ और तुम मुझे उपदेश सुना रहे हो। लखन लाल के बैन सुन, इंद्रजीत बिकराल आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। अब तो वक्त घमासान युद्ध शुरू हो गया, लेकिन हुआ क्या? दोनों बली विशाल विकराल युद्ध भव भारी। उत मेघनाद बलवान रे, इत से सिनाग अवतारी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रामादल में हाहाकार मच गया। वीर अंजनी लालों ने उठाकर भगवान श्री राम के पास लाए और जैसे ही श्री राम ने अपने भाई की दशा देखी तो उनके होश उड़ गए, मानो शरीर से प्राण निकल गए हो। ध्यान रहे भैया,
भाई को मरण भाई भाई के समाय जात भाई के जान भाई भाई पे गमाए दे गज बिन सुंड खग पंख बिन प्राण दजे और तैसे ही एक भाई बल भाई को घटाए दे मित्र ही तू पुत्र नर धारी परिवार सब मिले जग बार बार प्रेम को जनाए दे संगीता एक भाई भाई के मिलन बिन ओ भाई मरे भाई को कले जो कंपाए दे संसार में भक्तों सब कुछ पुनः मिल जाता है मगर भाई पुनः नहीं मिलता। आज भगवान भैया लक्ष्मण को गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे भैया भैया तुम्हें क्या हो गया भैया जरा आंखें खोलकर भैया जरा आंखें खोलकर मुझे अपना बोल सुना दो भैया भैया एक बार सुन लो आप कैसे रो रहे हैं भगवान। उठ के बोल तो सुनाए दे कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे भैया भैया तुम्हारे तुम्हारे कहाँ दर्द हो रहा है भैया मुझे मुझे बता दो भैया। उठ के बोल तो सुना Yeah, more cool.
मैं तुम्हारे बिना संसार में जीवित नहीं रह पाऊंगा। हमें कुछ तो बताओ भैया, कुछ तो बता दो। तुमने तो अवधपुरी से चलते समय वादा किया था भैया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, और आज तुम वो वचन भूल गए। वो तो आगे श्री राम कैसे रोते हैं। लक्ष्मण भैया अखियां तो निक खोल, कहां में पीर होई मेरे भैया, मुंह से बीरन बोल, बिरन तो रहो बुलाई, नींद तो कैसी आई, बिरन तो रहो बुलाई। मना किया था लेकिन तुम्हारे साथ ही आए। बहुत कुबर जो तुम ना माने बन को संग ही आए, पिता मरने और हरण सिया को तुम भी छोड़ सिधाए। पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण किसी को गोदी में लिए हुए हाथ फिराते जाते हैं और उनकी सूरत को निहार निहार कर रुदन करते हैं। अपने स्वामी की बिगड़ी हालत देखकर बानर दल बुरी तरह से रो रहा है। इधर विभीषण ने हनुमान जी को वैद्य सुसैन को लाने के लिए लंकापुरी का पता बताया और कहा कि हे वीर, तुम अतिशीघ्र
सुसैन भद्द को लेकर आओ, रोने से काम नहीं चलेगा। रघुराई का ध्यान कर चले बलि हनुमन, धर गोदी में शीश को इत रोए रहे भगवन। अही लाल तो भक्तो वैद्य सुसैन को लाने के लिए पवन वेग से गए और इधर श्री राम रो रो कर क्या कह रहे हैं। रो कर के राम बोले नैनों में नी भर के, तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ कर। इधर सीता का हरण हो चुका है भैया, और उधर अपने पिता की भी मृत्यु हो गई। भैया अपने पिता की मृत्यु हो गई, अब मैं कैसे रहूंगा भैया, मैं सीता की खोज कैसे लगाऊंगा।
इसी जन्म का श्री राम बोलते हुए अंजीलाल सुसैन बद्ध को सोते से उठा ले आए। श्री राम सुसैन से बोले, भैया जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया को ठीक कर दो, यदि मेरा भैया ठीक नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण गमा दूंगा। श्री राम की प्रार्थना सुनकर सुसैन बोले, मैं वैद्य हूँ रा बड़ घर का किस तरह आपका काम। सुनो श्री राम, मैं तो रावण के घर का वैद्य हूँ, मैं आपका काम कैसे कर सकता हूँ? अनुचित होगा यदि रावण के बैरी को मैं आराम करूं। मैं वैद्य हूँ रावण घर का किस तरह आपका काम श्री राम, लक्ष्मण को तो मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन यह खबर जब रावण सुनेगा तो अब मेरा हाल क्या करेगा? सुसैन की बात सुनकर श्री राम उनसे बोले, यदि मेरे द्वारा अधर्म हो रहा है तो मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। वैसे वैद्य का तो अपना पराया कोई नहीं होता ना, वैद्य औषधि देकर सारे संसार का कल्याण करता है। और तुम यदि धर्म की बात करते हो तो सुनो, जिस धर्म पे प्यारा राज गया श्री पितृ देव का मरण हुआ, जिस धर्म पर भाई भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, बात करते हो तो सुनो, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, मेरा भैया भरत छूट चुका है, मेरी सीता का हरण हो चुका है। और तुम सुनो, उस धर्म की खातिर भाई भी
यदि मरता है तो मरने दो, यह राम धर्म नहीं छोड़ेगा मुझको, अब धर्म निभाने दो। मेरा भाई लक्ष्मण अगर मर रहा है तो मर जाने दो, लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं झुकूंगा। उस धर्म की खातिर भाई भी यदि मरता है तो मरने दो, यह राम धर्म नहीं छोड़ेगा मुझको, अब धर्म निभाने दो। श्री रघुनाथ के मार्मिक वचन सुनकर सुसैन गदगद हो गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप संसार का कल्याण करते हैं, मैं आपका कल्याण क्यों नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा भगवान, मैंने तो आपकी परीक्षा ली थी। महाराज खून कर जाने से सब अंग तो सारे हो रहे हैं, कमजोरी बहुत हो रही है, मूर्छा में लखन सो रही है, कमजोरी बहुत हो रही है, मूर्छा में लखन सो रही है। भगवान चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खून निकल गया है इसलिए भगवान इन्हें मूर्छा आ गई है। क्या बोले, नाड़ी चलती है मंद मंद, ये राम प्राण को बाकी है, लेकिन सूर्योदय के बाद फिर आस नहीं बचने की है। रहे प्रभु, यदि सूर्योदय से पहले कोई संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह सुनकर जामवंत ने भक्तों श्री हनुमान को उनके बल का ज्ञान कराया और विभीषण ने हनुमान से कहा कि तुम्हारे अलावा और किसी में ताकत नहीं है जो कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी ला सके, अतः हे सुभद्र तुम अति शीघ्र द्रोणागिरी पर जाकर बूटी लेकर आओ। तुम जइयो पवन सुत वीर बूटी ले आइयो, तुम जइयो पवन सुत वीर, तुम जइयो पवन सुत वीर बूटी ले आइयो। कोई वीर बूटी ले आई।
कि द्रोणागिरि पर बूटी कहाँ मिलेगी, तो सुसेन वैद्य बोले, जाओ द्रोणागिरि पर मंदिर एक सुहाय, आस पास कहीं देखियो मर समान चमका। द्रोणागिरि पर्वत पर एक जगह मंदिर है और उसी मंदिर के पास कहीं मर के समान चमकती हुई तुम्हें संजीवनी बूटी मिल जाएगी। अंजीलाल भगवान श्री राम को शीश झुकाकर पवन वेग से द्रोणागिरि की ओर चले। हुआ क्या, पवन वेग से हनुमान जब द्रोणागिरि को धाए और आगे जाकर द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी ढूंढने लगे। कैसे ढूंढ रहे हैं बूटी? बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी, बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी, बूटी ढूंढ रहे हैं प्यारे ढूंढ ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि मणि के समान चमकती हुई बूटी तुमको मिलेगी, लेकिन आज वो चक्कर में पड़ गए। बूटी ढूंढ रहे हैं वो प्यारे ढूंढते ढूंढते हनुमत हारे, व्याकुल हनुमत रड़ जंगी हर के संगी। चला दिया। हुआ क्या, गगन मार्ग से हनुमत आए भरत वीर ने बाण चलाए, वे समझे रावण को संगी हर के संगी, बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी। बूटी ढूंढ
गया भक्तों, पड़ा भरत के कान में जो ही यह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। भक्तों, श्री राम हनुमान बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे, भरत दौड़कर जब उनके पास आए तो मानो उनके होश उड़ गए। वे पूछ रहे हैं, हे वत्स, तुम कौन हो जो राम राम शब्द तुम्हारे मुंह से निकला? मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना नीच हूँ जो मैंने अपने भाई के ही भक्त को बाण मार दिया। हाँ हाँ, यह मेरे हाथों से यह कैसा ही दुष्कर्म हुआ। रघुनाथ के प्रिय जन को मारा, धोखे में महान अर्थ हुआ। भरतलाल बड़े दुखी रहे और अपने को धिक्कारते रहे। इधर तब तक अन्नीलाल की मूछा जा गई, वे राम राम कहकर उठ बैठे और भरतलाल को सारा समाचार बताया और कहा, यदि मैं सूर्योदय से पहले रामादल में नहीं पहुंचता हूं तो लक्ष्मण भैया नहीं बचेंगे। सुनी भरत ने जिस समय लखनलाल की पीर, हाय लखन मुंह से कड़ी नैनन बरसेनी। लक्ष्मण का समाचार पाकर भरतलाल अपने आंसू नहीं रोक पाए और हिलकी भरकर बोले, रोते रोते भरत लखन की याद में भूल गए। तन की सूरत भुलाए, शोक सागर में डूब गए। तन की सूरत भुलाए, शोक सागर में डूब गए। तो आज भरत अपने लक्ष्मण भैया की याद में रोने लगे। भरत की हिल की भर आई, हनुमान मुझे बता दो कि मेरा भैया कैसा है। भरत की हिल की भर आई और होनहार बलवान पवन सुत रहे हैं समझाई। और होनहार रो रहे हैं। अन्नीलाल ने उन्हें छाती से लगा लिया और आंसू पोंछकर कहा, भैया यह समय रोने का नहीं है, यदि सूर निकल आए तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे, अतः अब हमें जाने दो। भरत बोले, रुको तात, मैं तुम्हें
रातों रात रामादल में पहुंचाऊंगा। अन्नी लाल भरत को धन्यवाद देकर बोले, चिंता मत करो भैया, मैं प्रभु की कृपा से सूर्योदय से पहले ही पहुंचूंगा। यह सुनकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, और मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। अयोध्या से भक्तों अन्नी लाल पर्वत खान को लेकर चल दिए। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बड़ी व्याकुलता में हैं। वे सोच रहे हैं कि रात तो बीती जा रही है और पवन सुत अभी तक नहीं लौटे, अब क्या करूं, अब हमारे ऊपर कौन कृपा करेगा। कभी तो श्री राम अधीर होकर हनुमान को निहारते हैं, पुकारते हैं, तो कभी खड़े होकर उनकी रास्ता निहारते हैं और क्या कहते हैं, आए जइयो बलिधारी कहां देर करी, आए जइयो बलिधारी कहां देर करी। माने उदय गर जो हो जावे, लक्ष्मण भैया प्राण गमावे, करते। कभी श्री राम पूरब दिशा की ओर देखने लगते हैं तो कहीं सूर्य उदय तो नहीं हो रहा है, ये सोच रहे हैं। कभी हनुमान को बुलाने लगते हैं कि का हो पवन सुत, जल्दी आओ। सुग्रीव श्री राम को समझाते हैं तो श्री राम बेचैन होकर सुग्रीव के गले लगकर फिर रोने लगते हैं और क्या कहते हैं, रैन बिदा अब हो रही उदय होन को भान, रैन बिदा अब हो रही उदय होन को भान, मेरे भैया लखन के नहीं बजरंगी।
भक्तों, अब तो रामादल में हाहाकार मचा है। भगवान श्री राम को एक एक पल वर्षों के बराबर लग रहा है। वे कहते हैं, हे बजरंगबली, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। भक्तों, इसी समय बजरंगबली रामादल में आ जाते हैं। हनुमत कूद पड़े जय जयकारो रामादल में, हनुमत कूद पड़े जय जयकारो रामादल में। बोलिए बजरंग बली की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की। हनुमत कूद पड़े और बता दूं कि सुलोचना सती आप राठौर कैसे सुन सकेंगे, ये मेरा आगामी प्रोग्राम है। हनुमत कूद परे जय जयकारो रामादल में, हनुमत कूद परे जय जयकारो रामादल में, हनुमत कूद परे। इस समय ढोलक प्रसंगति हमारे रामवीर तूफानी भैया जी कर रहे हैं, घुंघरू प्रसंगति प्रेमचंद भैया जी कर रहे हैं, और घड़ा प्रसंगति श्री रामचरण राठौर जी कर रहे हैं, और ये मंजीरा बजा रहे हैं वो है हमारे लल्लन भैया। हनुमत कूद पर